चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। एंड आज की इस वीडियो में अपन दोबारा से खेलने आ रहे हैं ब्लॉक वन को का बैड बॉस एज यू कैन सी, बट खेलने नहीं जा रहे आज। अगेन एक और टिप्स एंड ट्रिक वाला वीडियो है या गाइस। सो मैं आज आपको वापस से टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ। सो या तो सबसे पहली पुरानी टिप्स एंड ट्रिक का मैं रिविज़न करा देता हूँ। हाँ वैसे ये पाठशाला तो है नहीं, पर फिर भी अगर डुओ खेल रहे हो तो बस वूल उठाओ और रश कर दो, जो नूब हैं वो कुटेंगे आपसे। और ये बंदों को कुछ खबर नहीं है कि इनका बैट टूट चुका है, और ये बेचारा बुरा बंदा मेरे से कुट चुका है। और ये बंदा एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा नूब था, आपने देख ही लिया। ठीक है, मेरे टीममेट बहुत बड़ा लुटेरा है, ये तो मैंने देख लिया। ओके सो गाइस, अब नई टिप्स एंड ट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। पहली टिप, आप जब भी रश करने जाओ बंदों के ऊपर, अपने साथ एटलीस्ट एक गोल्डन एप्पल एंड 3 स्टैक रख लिया करो। सबसे अच्छा रहेगा 3 स्टैक रख लिया करो वोल का, और एक रेस्क्यू प्लेटफॉर्म एक तो एटलीस्ट आप पे होना ही चाहिए, है ना। ये काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि फिर आपके ना गिरने के और फिर गिर के मरने के जो चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। एंड वन थिंग मोर, आप जो भी आपको सामान मिलता जाए ना, जैसे कि वूल, मतलब जो बहुत इम्पोर्टेंट सामान है वो आप सेव कर लिया करो। ओ देखा, इसीलिए अब ये तो मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी गिर गया, ऐसा ना कभी कभार सीन होता है ना। और चलो अब जो पिछली बार मैंने बताई थी ना वो दूसरी वाली टिप का रिवाइज करते हैं। सो दूसरी टिप ये थी, जैसे ही एक बंदे का बैट तोड़ो रुको मत, दूसरे के बैट पे बस उसी टाइम घुस जाओ सीधे, जरा भी मत रुको, बंद करो बेटा। सो गाइस, बहुत देर तक सामान इकट्ठा करने के बाद मैं फाइनली एक गोल्ड का आर्मर खरीद सकता हूँ। और आप देख सकते हैं आयरन की भरमार है मेरे पे। एंड हाँ, आप अपने साथ एक वो ज़रूर रखा करो, बिकॉज दिस इज़ सो हेल्पफुल टू यू। एंड ऐसे जो बंदे हैं ना जो ऐसे ऊपर पाथ पे बिल्ड करके जाते हैं, जो अभी भी जा रहा है ना, उनको सबसे पहले उड़ाया करो। हाँ तो देखो, मैं ना बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ अब लड़ने के लिए। यहाँ पे रख लेते हैं रेस्क्यू प्लेटफॉर्म, एंड इधर रख लेते हैं ये। गाइस नाउ वी आर रेडी। अपना बैड भले ही टूट चुका है बट कोई भी बात नहीं, जरा सी भी कोई बात नहीं है। एंड अपना ओके सो जैसा कि मैंने बताया, नेक्स्ट टिप, वो जो नेक्स्ट टिप थी यार, हम तो जीत गए, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हम बताते हैं। हाँ सो गाइस, अगेन सबसे पहले मैं टिप देना चालू करता हूँ। तो गाइस सबसे पहले टिप है, सबसे पहले तो नहीं, अभी शायद 2-3 टिप हो चुकी हैं पूरी। सो आपको अपना बैट प्रोटेक्ट करना होता है ना। इस बार एक बार आप प्रोटेक्टिव राउंड खेला करो, एंड एक बार आप ऑफेंसिव खेला करो, एंड एक बार डिफेंसिव। सो आप देख सकते हैं कि मैं कितनी स्पीड पकड़ कर जा रहा हूँ। ओके तो मैं ये इसी बात की कह रहा था कि ये जो बंदे अपना बैट प्रोटेक्ट नहीं करते, इन पे आप आसानी से हमला कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से इन बंदों को हमने हरा दिया। मेरी शॉट मेरे हाथ में नहीं आ रही, इसको कोई कूटेगा। ओके तो ये बंदा कहाँ गया। ओके तो ये रहा,
और ये टीम हो चुकी है वाइप आउट बड़े आराम से। सो या गाइस, ऐसे ही अगर आप ऑफेंसिव राउंड खेलेंगे तो आपके जीतने के भी चांसेस बने रहते हैं, बट आप हार भी सकते हैं या हारने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो टीममेट ने अच्छा खासा रास्ता बना दिया एंड इसने अपने बैट को अच्छा प्रोटेक्ट भी कर दिया था स्कूल में। सो गाइस, आप ना आपके साथ मैंने जैसा कि अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो टूल्स हैं उनको सेकंड लेवल पर रखा करो। सो मैंने टूल को सेकंड लेवल पर अपडेट कर लिया एंड सीजर का तो यही मैक्स लेवल होता है या गाइस। सो एज यू कैन सी कि अपन प्रोटेक्ट मतलब इसने जो फालतू के एंड स्टोन लगाए हैं वो मैंने तोड़ लिए। तो आप अपने बैड को मतलब सेकंड टिप, अपना जो बैड है उसको सेकंड लेयर पे प्रोटेक्ट करा करो या तो मतलब आपको ना अगर सेकंड लेवल पे आपका बैड प्रोटेक्ट होता है सो आपको ना काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता है। अगर कोई मतलब नीचे तो आप कोई हार्ड चीज़ लगाया करो, आप जैसा कि देख सकते हैं ये मतलब ये कौन है, मतलब क्या सोच के हमला कर रहे हैं, अपना टीममेट तीर कमान लेके बैठा है। ओके तो ये देख सकते हैं आप, कूटो कूटो कूटो। ओके तो एक कूट गया, इस बंदे ने फायर चार्ज से बैड को तोड़ने की कोशिश करी, लेकिन इसलिए मैंने बोला था कि अगर एंड स्टोन लगाते हो ना काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। और इस बंदे ने रेस्क्यू प्लेटफॉर्म यूज़ करा, देखा रेस्क्यू प्लेटफॉर्म का कितना अच्छा यूज़ है। सो इस बंदे ने अपने बैड को टूट मतलब अपने आप को मरते मरते बचा लिया। एंड अगर आप थर्ड लेयर भी प्रोटेक्ट कर देते हो ना सो यार आपका बैड तोड़ना मतलब यार बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर आप सही टाइम पर पहुँच जाते हो वहाँ पर अपने बैड को प्रोटेक्ट करने। सो यार काफ़ी सही है, मतलब आप अपने बैट को बहुत ज़्यादा देर तक प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो ये तो मैं प्रोटेक्टिव टिप्स बता रहा हूँ जितनी भी आपको बता रहा हूँ इस वक्त, है ना। सो अभी यार थोड़ी देर में ऑफेंसिव आएंगी। सो एज ओके गलत लॉक लगा दिया, ठीक है कभी कभार होता है। तो अगर आप ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं ना तो आपका एक ब्लॉक भी वेस्ट नहीं होगा, है ना। एंड वुड का प्रोटेक्शन ना काफ़ी अच्छा रहता है, बट वुड फायर चार्ज से टूट जाती है, बस एक यही बुरी बात है उसकी, है ना। तो जो वुड की हार्डनेस है ना गाइस रियली में गुड है ना। वुड की हार्डनेस अगर फायर चार्ज जैसे एंड स्टोन के ऊपर फायर चार्ज का कुछ नहीं होता, ऐसे ही अगर वुड के ऊपर भी कुछ नहीं होता होगा अगर नहीं होता ना तो यार वुड सब मतलब यार वुड से प्रोटेक्ट करना पसंद करते एंड मैं भी करता हूँ क्योंकि ओके तो टीममेट भी कर रहा है, उस पर है क्या वुड, हाँ उस पर है। सो गाइस ये और सारी मैं डिफेंसिव चीज़ें बता रहा हूँ आपको एंड एज यू कैन सी कि अपना पूरा बैट प्रोटेक्ट हो चुका है वुड से या अब ये सारा सामान अपन यहाँ पर रख देते हैं एंड बस फायर चार्ज लेना है अब। तो कोई बंदा वापस आया है तोड़ने, नहीं आया, ओके आया है, मैंने ऊपर देखा अभी। ओके भाई रिकॉर्डिंग हो रही है, कौन है ये, कोई नहीं है, मुझे तो लगा अभी कोई आया, चलो खैर ऐसे ही लगा होगा। सो गाइस क्यान टीम ने अपने ऊपर हमला करने की जुर्रत करी, इसलिए किसी और ने, हमने नहीं वापस बता रहा हूँ, किसी और ने उनका बैट तोड़ दिया। देखा हमारे ऊपर हमला करने से यही होता है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ही टूट गया होगा। सो फटाफट से अब कैन टीम के ऊपर रश कर देता हूँ मैं एंड गाइस चलो टिप बता देता हूँ अगली टिप ये है कि अगर किसी बंदे का बैट टूटा हो ना, जैसे कि कैन टीम का बैट टूटा हुआ है तो जिस बंदे का बैट टूटा हो ना वेट मत करा करो, उस पर रश कर लिया करो। तो जैसे कि मेरा खैर काफ़ी सारा वेट कर लिया, और अगर आप वेट करा करो ना तो वेट करने में टाइम बर्बाद मत करा करो, मतलब अगर आप वेट कर ही रहे हो तो आप ना ऐसा करा करो कि या तो अपने प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें जमा कर लिया करो या आप सांस फूल रहे थोड़ी, हाँ हाँ, या आप अपने बैट को डिफेंस करा करो। एक तरह से मैंने टाइम बर्बाद नहीं करा
एंड हाँ, आप मैंने जैसा कि बताया शायद सबसे पहले अपनी टिप वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आप ना एमराल्ड जमा करते रहा करो, तो मैं ये बात तो अभी भी कहूँगा कि अगर ऐसे बंदे दिखे हैं जिनके पास पूरा डायमंड का आर्मर है तो बस कुछ नहीं करना, बस ऐसे नीचे कूद जाओ, उनसे बच पाओगे वो भी शायद। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं कि अपने टीममेट ने उसको वाइप आउट कर दिया है। या गाइस, सो गाइस आज की वीडियो में तक काफ़ी था, एमसीयू मैंने टिक एंड बाबा या नहीं, आप ये जो बचा हुआ गेम प्ले है ये एंजॉय करके जाना। सो अब मैं टिप नहीं दे रहा हूँ, तो मैं जैसे लड़ता हूँ रियल में वैसे ही लड़ेंगे, ठीक है। तो मैं ना रियली बताऊँ तो मैं कुछ भी चीज़ ऐसे लेकर नहीं चलता हूँ, मैं बस ऐसे हमला कर देता हूँ, है ना गाइस। कोई भी ऐसी चीज़ मैं लेता नहीं हूँ, वो तो मैं आपको बस टिप्स बता रहा था, आपको तो लेनी चाहिए। खैर मैं नहीं लेता हूँ तो क्या ही कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे अगर आप चलते हैं ना और आपके पीछे अगर कोई है और आपकी हेल्थ कम है तो आपको ना काफ़ी अच्छा मौका मिल जाता है उससे अपने को काफ़ी देर तक बचाने के लिए। सो मैं ना हमेशा ये है वो कुछ चीज़ जो लेके चलता हूँ एजुकेंसी, एंड मैं हमेशा ना ट्राई करता हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी गोल्ड का आर्मर ले सकूँ। तो मैंने गोल्ड का आर्मर ले भी लिया, एंड ब्लॉक्स में लेता जाता हूँ जितना मुझे दूसरे आइलैंड से सामान मिलता है। अभी देखो ये गिरते गिरते बचा हूँ मैं। सो ये भी कभी कभार होता है, हर किसी के साथ है ना। सो अब जो चीज़ मैं करने वाला हूँ, अगर आपने डायमंड जमा कर रखे हैं ना तो ये ज़रूर सुनेगा। ओके, तो वाइट टीम ने मेरे टीममेट को मारा। ठीक है, तो ये वाइट टीम का बंदा बुरा वाला फंस चुका है ना। अब मैं इस पर फायर चार्ज फायर चार्ज मारूंगा। बेटा बच गया, अबे कैसे बचेगा, जाओ बाय। अबे एक और है, अबे कौन मार रहा है बे। अरे यार मैं मर गया। देखो ऐसा ही होता है जब तुम रेस्क्यू प्लेटफॉर्म, वो लाल टीम के बंदे ने मारा पीछे से। बेटा रुक, तू सबर रख बेटा। सो जैसा कि मैंने बताया, मैं पूरा ट्राई करता हूँ कि मेरे पास एक गोल्ड का आर्मर हो, तो जितना गोल्ड का आर्मर यहाँ से मिलेगा उतना रेंट पे उठा के चलता हूँ मैं। सो अभी तो आप बस गेम प्ले इन्जॉय कर रहे हो ना, इसलिए मैं टिप्स एंड ट्रिक नहीं बता रहा हूँ और लाल टीम का बैठ गया हूँ। ऐसा ही होना था उस बंदे के साथ। वाइट टीम वाइप आउट हो चुकी है। केवल गाइस रियली बताऊं तो क्यान टीम रह रही है। ओके, टीममेट का सामान मैंने बर्बाद कर दिया, मुझे पता है बुरी बात है, लेकिन खैर क्या ही कर सकता हूँ। तो गाइस आप जैसा कि देख सकते हैं कि पूरा मेरे पास गोल्ड का आर्मर आ चुका है। 30 लेवल की जब प्रोटेक्शन हो जाती है ना बंदे में, मतलब ऐसा लगता है हाँ भाई तू कुछ कर सकता है, ऐसा लगता है बंदे को। तो यार मुझे अभी वो ही लग रहा है कि अगर अब कोई लड़ना, अरे दो दो आयरन की शॉट पड़ी हुई है अटैचिंग में, सही है ब्रो। अगर आयरन की शॉट चाहिए होगी तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, मुफ्त की मिल रही है भाई। सो चलो अब आप गेम प्ले इन्जॉय कर रहे हो। यार मैं बार बार यहाँ पे गिरते गिरते बचता हूँ, और पिछली बार मैंने डायमंड बर्बाद कर दिए, इस बार नहीं करेंगे। तो केवल क्यान टीम रह रही है, और भाई ग्रे टीम का भी बैठ गया, क्यान नहीं एक्चुअली में वो ग्रे टीम थी। ओके, रेड टीम और ग्रे टीम का अभी धमासान युद्ध होने वाला है। तो मैं क्या करने वाला हूँ भाई, मैं ना ऊपर जा रहा हूँ थोड़ा, और ऊपर जाने के बाद मैं ना जो एमराल्ड मैंने लिए हैं उनसे पहले तो कोशिश करूँगा कि डायमंड का आर्मर लूँ। एंड कितने एमराल्ड हैं, ओके 13, तो डायमंड का आर्मर तो डन इसमें। एंड डायमंड का आर्मर लेने के बाद मैं अगर एक्चुअली बताऊँ तो क्या करूँ, तो मैं ना डायमंड का आर्मर सबसे पहले लेना इसलिए पसंद करूँगा
क्योंकि अगर मैं मर भी जाता हूँ ना तो ये ना मेरे एनिमी को नहीं मिलेगा जिसने मुझे मारा है ना। लेकिन अगर मैं स्वॉर्ड वगैरह ऐसा कुछ बाय करता हूँ तो वो मेरे एनिमी को रियली बताऊँ तो मिल जाएगा। और अपना टीममेट ने ग्रे वाले बंदे को मार दिया ब्रो, क्या ही मतलब टीममेट मिला है, बट मैं भी कम नहीं हूँ। हाँ तो एज यू कैन सी कि मैंने पूरा डायमंड का आर्मर ले लिया एंड मैंने ये भी लगा लेता हूँ, तो इसलिए मैं डायमंड लेके चल रहा था। एंड लाल टीम ने अपने बंदे को मार दिया, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ये ले लो। एंड काफ़ी सारे ब्लॉक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी गाइस, यहाँ पे ये लगाओ बस। अब मरना नहीं है मुझे। डैमेज कितना होगा? ओह, एक भी हार्ट नहीं गया। सो गाइस अब जो मेरा मेन काम मतलब मुझे करना है ना वो है कि बस ये जो लाल टीम का बंदा है इसको वाइप आउट करना है। ओ बेटे गाइस रिकॉर्डिंग बहुत मतलब 15 मिनट की हुई है यार, बट इतनी लंबी रिकॉर्डिंग मैं बनाता तो नहीं हूँ, ज़्यादा तो लंबी वैसे है नहीं, मुझे पता है ये बात, बट कोई बात नहीं यार, ये गेम प्ले ख़त्म होती है मैं रिकॉर्डिंग एंड कर दूँगा। चलो फटाक से चलते हैं एंड वाइप आउट करके आते हैं लाल टीम को। और ये पार्ट से ओ मेरी 11 हेल्थ गई, और अगर मैं वैसे कूदता ना, अच्छा टीममेट है, ओके सही, सामान जमा कर रहा है बंदा फटाफट से। गाइस जो मैंने एमरल्ड लिए हैं उनका कुछ बाय करके आता हूँ अपने आइलैंड पे जाके, क्योंकि मेरा आइलैंड अब मेरे पास सबसे मतलब करीब है ना, तो उससे कुछ बाय कर लेता हूँ। सो जो चीज़ ना मैं जब बाय करने वाला हूँ वो है ये, कर लो सबसे पहले ये कर लो। एंड रियली बताऊँ तो एक ये बाय करना है एंड ये, ओके तो सो ना आई एम डन। मैं लाइव स्ट्रीम इसलिए नहीं करता हूँ कभी कभार गेम, मतलब आज तक मेरी एक भी लाइव स्ट्रीम नहीं हुई, वो बात मुझे पता है, बट अब मैं आपको रियली रीज़न बताऊँ कि मैं लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं करता। तो यार को ये है कि ना बंदे स्ट्रीम स्नाइप करते हैं है ना, सो या फटाफट से रश करते हैं एंड इस बंदे का खात्मा करते हैं। ओके तो इस पर पूरा डायमंड का आर्मर है और अपने टीममेट ने उसको ख़त्म कर दिया। ओके सो गाइस आज की वीडियो में तक काफ़ी टाइम से मैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।